ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, तो वहीं बिलासपुर में शीतलहर की वजह से रात में ठंड बढ़ गई है। नगर निगम ने चौक चौराहों में रात को अलाव की व्यवस्था की है और इस मरतबा लकड़ी की बजाय गौठान में बने हुए गौकास्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से नगर निगम की लकड़ी का खर्च बच रहा है। गौठान से बनी लकड़ी से स्व सहायता समूह की कमाई भी हो रही है। कम से कम 30 महिलाओं को इससे रोजगार भी मिला हुआ है। महापौर रामचरण यादव ने बताया है कि गौकास्ट के इस्तेमाल से रोजगार के साथ साथ निगम का खर्च भी बच रहा है। गोबर से जो लकड़ी बना है उसका उपयोग नगर निगम करेगी। कितना भी वहां पर लकड़ी बना हुआ है उसको नगर निगम खरीद करके शहर में विभिन्न स्थानों पर अलाव में जला करके आम शहरी लोगों को ठंड से निजात दिलाने के लिए गोकास्ट का उपयोग किया जाएगा।